कौन क्या हाल है, सब दोस्त ठीक ठाक हैं। लें वो जी शाहपुर गाजरा मंडी, और यहाँ पे बहुत बारिश हुई है। हमारे वाली साइड पे बारिश नहीं हुई, यहाँ पे भाई कस्टमर भी कोई नहीं है। और ये मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ, अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे कोई जानवर वगैरह हो तो आपको दिखाऊँगा। हर बंदा ना बच्चों के ऊपर है इस टाइम, हर बंदा जो जानवर हम 20,000 का भी नहीं लेते ना, वो जानवर 30-30, 32-32 हज़ार में बिक रहा है। ये देखो दो बच्चे लेके जा रहे हैं। ये बारिश काफ़ी हुई है यहाँ पे, मंगल का दिन है भाई आज। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखते हैं क्या सीन है। पीछे तो भाई जानवर नहीं खड़ा होने देते, और वहाँ पे कस्टमर भी नहीं है इतना, जानवर भी नहीं है। ये बारिश काफ़ी हुई है इधर, एक हफ्ते के बाद भाई मंडी में आया हूँ। उसकी वजह क्या है, जानवर नहीं है मंडी में, जिस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं। आप कहते हो मज़र भैया आपकी वीडियोस नहीं आ रही, मैं इंशाल्लाह जब पीछे जाऊंगा हासलपुर रेमियर खां सादकाबाद उस साइड पे आपको जानवर दिखाऊंगा, वहां पे मज़ा भी आएगा, शौक वाली चीज़ें होंगी। अब यहां पे हर बंदा बच्चों के ऊपर चढ़ा हुआ है, जो कजले बच्चे हैं, सॉरी मुंदरे, 15-15 हज़ार का मुंदरा, खुदा की कसम 20-20, 25-25 हज़ार का ले जाते हैं। पता ही नहीं है कोई कि मुंदरा कहते किसको हैं। ये देखें ये बोता नस्ल है, थर का माल है ये। अभी इनके पैसे भी आपको बताता हूँ। ये माल है वैसे, है तो ये छोटे बच्चे हैं लेकिन ये तैयार नहीं होने, ये सिंधी जानवर है। लाला किन्ने किन्ने पैसे मुंदरियाँ दे? ये देखें जी, ये सिंधी मुंदरा है, तकरीबन कोई 2.5 से 3 महीने इसकी उम्र है। ये की पैसे ने? इधर 26,000। ये बोता किन्ने दा? ये थर का है, ठीक है। ए किन्ने पैसे जी? ए आहो ए 35,000 इहदा रेट सुनो भाई। और ये काटू माल है, ये देखो ये बोता है। ए किन्ने पैसे ने? हाँ 45,000। जुलम नहीं हो गया? इसके कान में बड़ी हैवी स्वेलिंग हुई है दोनों साइडों पे। ये चीज़ देखा करें आप, ये ना देखें करें कि ये मुंदरे के कान है। अब आप ये कान देखें और वो वाला कान देखें। दवाई लगाओ तो सही होगा, जब आप लेके जाओगे 2 दिन के बाद चुरी ही फेरोगे। ये चीज़ देखा करो, ये देखें, ये भी बोता है। और ये इन्होंने ग्रोथ नहीं करनी इतनी ना, कुर्बानी के लिहाज से ठीक है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे हैं, ये सर्वाइव बड़ा मुश्किल है इनका। बाकी अंदर जाके आपको जानवर दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई बकरे वगैरह आए हों। ये देखें, मंगल को ना काफ़ी माल आता है मंडी में, फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, वहाँ पर थोड़े से बछड़े हैं। बाकी देखते हैं अंदर क्या सीन है। क्या करें भाई, ये ना जिंदू का माल है, इसमें जिंदू का और सावन का थोड़ा सा मिक्स माल है। मंडी में इस टाइम कस्टमर कोई नहीं है, सारे व्यापारी हैं। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, 5:30 का टाइम है, मंगल का दिन है आज। ये चेक करें, 45,000 की। ये बच्चा कितने का है? मैं आपको जो अच्छे जानवर हैं ना उनके पैसे बताता हूँ। ये सिंधी में क्रॉस है। लाला कितने का ये? इसका 55। देना कहाँ पे है? 50 का हो जाएगा। 50 का हो जाएगा जी, तकरीबन कोई ये 7 महीने का जानवर है, ठीक है। जब आप लेने आते हो ना, वो छोटा सा बच्चा होता है तो कोई 1.5-2 महीने का, ये कहते हैं 4 महीने का है, भाई वो झूठ है। ये इन्होंने जब आप लेने आओगे कहेंगे 4-5 महीने का, 4-5 महीने का नहीं, ये 7 से 8 महीने इसकी उम्र है। ये आप नीचे देख रहे हो, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा जिसकी एज कितनी है। ये बड़ा अच्छा है, तैयार अच्छा होगा। ये हैदराबादी सिंधी क्रॉस में जानवर है, इसका फ्रेम भी अच्छा है, हाइट भी अच्छी है और फेस भी अच्छा है। अगर ये लाखे निशानों में होता या ब्रीक निशान ब्लैक में होता तो इसकी डिमांड कम से कम इन्होंने आपसे 90-95 करनी थी। अब वजह क्या है, कम पैसे क्यों है? ये ब्राउन है, सिंधी क्रॉस में है मुंदरा, जैसे कि इस तरह लाखे में होता ना, ये ब्राउन है ना, ये भी सिंधी क्रॉस में है। ये चेक करें, इसमें छोटे बड़े सारे मिक्स माल है। एक एक करके निकालो जानवर, कोई कम से कम 5-6 महीने का जानवर लो। 2-3 की और पैसे बताता हूँ, उनकी क्वालिटी के बारे में भी बताता हूँ। लला ए जोड़ी किने दी है अली? ए वाला ते वाला बचा? हाँ ए ते नब्बे हज़ार 45,000। ये डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है, जब आप लेने आओगे ना तकरीबन ये आपको 60-65 में हो जाएंगे, 70-75 ये खुद कह रहे हैं, तकरीबन 60 से ऊपर बनेंगे आपको। ये बच्चा भी अच्छा है लेकिन सिंधी है। ये भाई नॉर्मल क्वालिटी के जानवर हैं इन सब जानवरों में से। ये वाला बच्चा कितने का है? 65,000। थोड़ा आगे करी, 65,000 रुपया जी, ये लाखे निशानों में बच्चा, 65 इसकी डिमांड है। एक बच्चा ये भी अच्छा है लेकिन बहुत छोटा है। इन सब से जो चीज़ समझ में आती है ना, वो ये वाला बच्चा है। इसकी वाइट आइज़ है, यानी कि आँख इसकी सफ़ेद है, बस ठीक है। ये ठीक है, छोड़ दो इसको, एक ही बच्चा समझ में आया भाई, जितने भी खड़े हैं ये।
काम का जानवर, रखने वाला जानवर है वो, और वो बहुत ग्रोथ करेगा और नखरा भी नहीं करेगा कोई, जो डालोगे खाएगा। जो चीज़ क्रॉस में होती है ना बहुत अच्छा तैयार होता है, और ये वाकई तैयार होगा। अगर वो 50-55 मांग रहे हैं कोई 40 से कम नहीं देगा, 40-45 से कम नहीं देगा। ये चेक करें जी, ये चाचा रियाज का माल है, ये भी आप देखो। चाचा की हाल है, कैसी तबीयत, ठीक हो? और सुनाओ जी, और सुनाओ। ये देखें जी चाचे रियाज के पास जानवर। चाचा सारे खीरे ने? सारे खीरे। चाचा बच्चा किन्ने का? ये देखें जी माशाल्लाह, इसका फेस देखें, खीरा बच्चा है, बरीक निशान है, बाकी सारा काका ही है, आंखों पे जरा जरा सा निशान है इसके। चाचा की पैसे ने दे, जिथे देना है, डिमांड नहीं करनी, 55 का देना है जी। ये चेक कर लें, खीरा बच्चा तकरीबन 7-8 महीने इसकी उम्र है। हर तरह के बच्चे चाचे के पास हैं, ये लाखा भी है, काका भी है। ये देखें बच्चा माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर हैं। चाचा क्या पैसे हैं इसके? इसका 90 डिमांड मांग रहा है जी। 90 डिमांड जी, देना कहाँ पे है? 70। ये जी 70 का देना है जी, खीरा बच्चा जी। ये भी इसके मक्खी है होंठ पे भी और आंखों पे भी, ये चेक करें यहाँ से। ये कुर्बानी 2025 के लिए आपको जानवर दिखा रहा हूँ मैं, ये माल शाल आप चेक करो सारा। ये देखिए ये पैसे ने 75,000, तो कितने बनेगा एंड? 65,000 रुपये का देना है जी। ये भी कोई 7-8 महीने का बच्चा है, ये वाला बच्चा देखिए, इसका फ्रेम बहुत अच्छा है उसकी नस्बत, फेस थोड़ा सा है इसका लेकिन लंबाई बहुत है। ये भी खीरा है, तकरीबन कोई 9-10 महीने इसकी उम्र है। अच्छा कितने पैसे ने दे? 1-10 इसकी डिमांड है। कहाँ पर देना है? कितने का? 70 का देना है जी इन्होंने। अब आप ये जानवर में देख लें, और इसकी लंबाई और जो साथ खड़ा है उसकी लंबाई देख लें, सिर्फ उसका फेस इतना ख़ास नहीं है, उसका फेस बहुत अच्छा है, इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, बाकी छोटे बच्चे भी हैं। जय अल्लाह बच्चा किन्ने दा हैला हैड़ा पकड़ा भाई ने। ये देखिए कक्का बच्चा है माशाल्लाह खूबसूरत इसकी, ये चेक करो किन्ने दा पैसे जा? की पैसे? 90,000। कहाँ पर देना है? 70। ये भी 70 का देना है जी। खीरा बच्चा तकरीबन कोई 8-9 महीने इसकी उम्र है। होंठ पे ज़रा सा निशान है इसके नाक के ऊपर ना, बाकी फुल कक्का है। चाचा ये चार बच्चे की बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, ये इनमें से कोई भी आप ले लें, उसको भी डाल के इनमें से जो सा मर्जी ले लें, 45,000 रुपये के हिसाब से डिमांड भाई, 55 है। अब इसमें ये बच्चा चेक करें, बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये देखें बच्चा देखें। अच्छा जी, ये यानी कि दोनों 70 के मिलेंगे, 35,000 रुपये आखिरी रेंज ये मेरे से। 35,000 से स्टार्ट, 35 से लेके 1,10,000 तक डिमांड है। ये एंड कहाँ पे देना है? ये दो बच्चे हैं पुत्र, 70,000 की डिमांड है, मोल 90,000 देना 70 में है। हाँ ये एक और लाख, एक ये वाला जी, एक ये लाख, एक ये वाला लाख है जी, बस ये 70,000 इनकी डिमांड है, बाकी 45, 50, 70, 80 बस। ये बच्चा देख लें जी, ये चार बच्चे मेहंदी वाले, ये जो एक मेहंदी वाला, एक ये है और एक ये है, इनकी डिमांड वो कर रहे हैं 90,000। 90 डिमांड है ना इनकी, 45 इनकी डिमांड है। थोड़े बहुत पैसे अप डाउन हो जाएंगे आपके, ऊपर नीचे कर लेंगे। ये बच्चा बहुत अच्छा तैयार होगा, ये वाला, ये वाला तकरीबन कोई 4.5-5 महीने का बच्चा, ये भी और ये भी। ये मेहंदी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे बच्चे तैयार होने वाले हैं। बाकी इनके पास 60,000, 70,000, 1-10 तक आपको डिमांड भी बताई है। ये सारा चाचे रियाज के पास माल है, टोटल खीरे जानवर हैं। चाचा कितने जानवर हैं टोटल? भाई कोई बेचा जानवर? नहीं नहीं अभी निकाले, अभी निकाले हैं, बारिश होती रही है भाई इधर काफ़ी। ये मैंने आपको चाचे रियाज का सारा माल दिखाया, ये आप देख लें, जो चीज़ आपको समझ आती है। अब आप अभी ना इस टाइम बच्चों का रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर बंदे ने बच्चे लेने हैं। मैं कहता हूँ कि 3-4 महीने का बच्चा आप ना लो, आप 5-6 महीने का जानवर लो, ताकि जिसने दूध पूरा पिया हो उसके हड्ड पैर मजबूत हों। आप 3 महीने का बच्चा लेते हो ना, 30,000, 40,000 का भी आप लेते हो, आप उसमें आप 50 तक ना 6-7 महीने का जानवर लो, तीन महीने वाले को भी वही खिलाओ एक महीना, और उसको भी वही खिलाओ, जब तक उसने उसके जितना होना है ना, आपका 25,000 रुपया 20,000 रुपया खर्चा हो जाना है, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होना। बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे, उन्होंने ग्रोथ नहीं करनी जब तक उनको मुकम्मल उनको फीड नहीं मिलनी। अब देखो यार, ये 1.5-2 महीने के बच्चे हैं, अभी इनके पैसे भी आप पूछो तो ये बताएंगे आपको 25,000, 30,000, ये बहुत छोटे बच्चे हैं।
ये चेक करें भाई, ये टोटल छोटा माल है, ये काटू माल है सारा। ये देखें भाई, ये जो क्या हाल है, कैसी तबीयत, ठीक हो? माल शाल नहीं लिया, बस केड़ा माल है, काटू माल। अभी इनका गोश्त का काम है, ये सारा काटू माल है, तोल के भी देते हैं, वैसे भी देते हैं। तोल के किस तरह रेट है अपना? 1200 रुपये तोल के देते हैं ये, लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा किके वाले जानवर हैं ये, सिंधी बकरे हैं जी ये वाले, ये सिंध से और उमरकोट से इनका माल आता है। डेरे तो कोई जानवर नहीं आता। अच्छा ये छतरे किने किने देने अपने? 25, 26, 30। इन जो छतरों का रेट आपको इनसे मिलना है ना, वो जो लेते हैं ना नला दला के कंगियाँ शंगियाँ मार के, उनकी निस्बत आपको जानवर यहाँ से 8-10 हज़ार सस्ता मिलेगा। अब आप एक जानवर देख लो, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। मेहंदी वाला बच्चा कितने का है? ये देखें जी, ये 35 हज़ार है, ये देख रहे हो, इसका उन्होंने डिमांड ही 35 हज़ार की है। देना कहाँ पे है? 30 का देना है। अब आप देख लो, यही मैंने अभी इसी वीडियो में चाचा रियाज के आपको दो ले दिखाए हैं मेहंदियों वाले, इससे बहुत छोटे हैं। क्या पैसे मांगे हैं? 55 हज़ार। देना कहाँ पे है? 45 हज़ार। इसने मांगा है 35, देना 30 में है। वजह भाई, वो गंदा मंदा है और वो साफ़ सुथरा है, ये फ़र्क है। अगर आपने अपने पैसे बचाने हैं मंडी के अंदर से, पीछे वाली साइडों पे जाके वाड़ों से जानवर लो, आपको चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कितने में देगा हमें जानवर। गंदे मंदे छतरे लो, आपको आपके पैसे 10-15 हज़ार बच जाएगा आपका। लोग कहते हैं भाई इसको साफ़ सुथरा करो, जो भाई जो बंदे रखे हैं उन्होंने, सफाई वाले जिन्होंने बकरों को सेट मेट करना है, उनको सैलरी नहीं देनी, आपसे ही इन्होंने कमाने हैं पैसे। इसलिए मैं कहता हूँ खुद परचेजिंग करो, ना किसी को कहो कि मुझे ये ला दे, वो ला दे, फलाना ला दे, ये ला दे। ये चेक करें, ये हैदराबादी ले लें गोश्त के लिए, सिंधी और हैदराबादी क्रॉस में ले ला ये। ये देखें, ये भी क्रॉस में है, हैदराबादी मुंदरा ये, कम से कम ये 6-8 दांत होगा, पूरा होगा दांतों में। और ये इनके पास एक नागर है, जो बड़ा बकरा मंडी में बिकने आता है ना आंडू, वो पीछे से ख़त्म हो जाता तो फिर ही वो मंडी में बेचते हैं। अगर ये पूरे पॉइंट में हो तो क्यों मंडी में बिके? आप समझते हो हमने बहुत बड़ा ब्रीडर ले लिया। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो पीछे आप देख लो जी, ये गिल्टियाँ निकली हैं इसके। जिस वाड़े में एक बार ये मसला आ जाए ना, वो सालों साल नहीं जाता। डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा इसकी, जो फार्मर है उसको समझ आ गई होगी मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। अच्छा लाला दे, कितने पैसे ने? ए जोड़ी दे, ये वाला, ये वाला ढाई दा ते परला। हाय 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 हाय, ये इनका रेट सुन रहे हो आप, 180-250 ये पैसे मांग रहे हैं। अच्छा छतरा कितने का? ये गोश्त के लिए ठीक है, इसमें 35-36 किलो गोश्त है साफ़ी। ऊन तो ईद चलेगी, ए देखिए पैसे ने, ये भाई पैसे मांग रहा है 120। 120 भाई इसका मांग रहा है। अभी ईद को इतना टाइम भी नहीं हुआ, 17-18 दिन अभी मुश्किल से हुए होंगे, 16 दिन हो गए ईद को, 17 दिन। 120 मांग रहा है, कहाँ पे देना है ये? 60-70 का देना है? इतना नहीं देना, कितने का देना है? होए होए होए, खरीद दास्ती वे लो, उन्हें खरीद दास्ती अपनी 95 दी खरीद। खैर भाई, ये डिमांड तो कर रहा है आपके सामने, कहता मैंने 95 का लिया। कोई लोग होते हैं भाई, ओए 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 किधर फंस गया मैं। चलो आगे, मंडी में भाई 1-1.5 महीना ना ऐसे ही रहना है काम, कस्टमर कोई नहीं होना, और इन्होंने बस अपनी आई चलाई के लिए जानवर लेने हैं। हर बंदा बच्चों के ऊपर लगा हुआ है, चाहे वो बकरी का हो, छतरे का हो, मुंदरे का हो, जिसका भी हो। जब लेके जाते हैं ना बड़े खूबसूरत लगते हैं, हफ्ते बाद इनको देखने को दिल नहीं फिर करता। हालाँकि क्या हाल है, कैसी तबीयत, ठीक हो? और सुनाओ। ये देखो यहाँ पे बछड़े होते हैं सारे, कुछ भी नहीं है अभी भाई, निज़ाम ऐसे ही चलना है। वीडियोस मेरी इसी वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि माल ही नहीं है, फिर मैंने बनाई भी कोई नहीं वीडियो। ये चेक करें, छोटा माल है सारा, इनका काम है वैसे सारा साल ये मक्खी चीने का काम करते हैं, पिछले साल नहीं किया, इस साल ये करना स्टार्ट किया इन्होंने। अल्लाह किया हाल है, ये देखिए जी, आंडल भी हैं, खसी भी हैं, सारा मिक्स माल है। इनके पैसे भी आपको बताता हूँ मैं अभी। ये चेक करें भाई, ये इस टाइम इनके पास ना मक्खी चीने बकरे आए हैं, ये देखो
ये वाइट तल में बकरा है और इसका जो फेस आप देखें माशाल्लाह, इसने दोंद और चोग ना कट्ठी निकाली है। इसकी डिमांड ना 150 कर रहे हैं। दांतों में ये चार दांत है। कुछ बकरे होते हैं दो दांत और चार दांत ना कट्ठे निकाल देते हैं, तो इसके दांत मैंने अभी चेक किए हैं, ऐसे किया है इन्होंने। और ये डबल हड्डी में जानवर है और ये अहमदपुर शर्किया का जानवर है। जानवर के फेस से ना उसके इलाके का पता चल जाता है कि कौन सी मंडी का माल है, कौन से इलाके का माल है। ठीक हो गया जी, ये खस्सी बकरा है जी, ये भी दांतों में दो दांत चार दांत है। ये आंडल बकरे हैं, मक्खी जी ने डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। वो जो बकरा गया ना उधर एक इनका, वो मेरे ख्याल किधर चला गया बकरा, अच्छा बकरा था, उसकी डिमांड ये खस्सी कर रहे हैं। ये देखिए ये सारे खस्सी बकरे हैं, छोटे बकरे इनका। वैसे सारा साल ना खस्सी में काम करते हैं ये, पिछले साल इन्होंने काम नहीं किया। ये बकरा देखो खस्सी बकरा है, ये देखिए इसका मांग रहे हैं 180। ये वाइट तल में बकरा है, फेस चेक करें दांतों में, भाई दो दांत है, हाइट नहीं है इसकी। कलर के बड़े पैसे होते हैं, बहरहाल अभी तो इनको ये डिमांड नहीं करनी चाहिए, ईद गुजर गई है। ये सारा सीन है भाई, शाहपुर कांजरा मंडी, मंगल का दिन है, माल शाल अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है मंडी में इतना खास। तकरीबन 1.5 महीना लग जाएगा फिर माल आ जाएगा, बाकी फिर आपको जानवर दिखाता रहूँगा आगे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।